हेलो दोस्तों मेरा नाम तरुंदा दोस्तों आज जो टॉपिक में बात करने वाला हूँ काफ़ी दिन से इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास फीडबैक आ रहा था जी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर ने जो मशीन है उसमें रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है उसका प्रिंट लेना है तो क्या प्रोसेस है टेस्ट तो नॉर्मल हो ही जाता है टेस्ट का जो भी कोई मेटर नहीं है उसमें डिफेक्ट होगा तभी देखेगा नहीं डिफेक्ट हुआ देखेगा लेकिन मेन जो है उसको रिपोर्ट बनाना सबसे ज़्यादा रिपोर्ट बनाने में क्या क्या चीज़ का जरूरत होता है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आपने टेस्ट किया अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन से तो रिपोर्ट कैसे बनाओगे सबसे पहले दोस्तों रिपोर्ट क्या होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ नॉर्मली दोस्तों ये हमारे पास रिपोर्ट है आपके सामने दिखाना ये अल्ट्रासोनिक मशीन का रिपोर्ट है इस टाइप के आपको डेटा सामने आएगा जो जो भी आपका कंपनी वाला होगा जिसका थ्रू आपने टेस्ट किया उसमें पूरा डिटेल्स देखने मिल जाता है उसका डिफेक्ट कहाँ है उसका किसका रेंज क्या है वेलोसिटी क्या है मेटल कौन सा था कौन सा प्रो यूज किया कौन सा कलर यूज किया ए टू जेड आपको इस डेटा के अंदर मिल जाता है ये एक्चुअल कंपनी ऑथरटिक होता है जो आपका रिपोर्ट के लिए इस टाइप का रिपोर्ट अलग अलग जैसा ये रिपोर्ट है ये हमारा रिपोर्ट है इसमें ए, ए, एंगल प्रो फोर्टी फाइव डिग्री लिखा हुआ है ठीक है मेमोरी नंबर वन लिखा हुआ है रेंज थ्री हंड्रेड लिखा है वेलोसिटी लिखा है बत्तीस सौ पचास तो ये जो है तीसरा नंबर देखिए जैसा ये है इसका लिखा है जो वेलोसिटी हंड रेंज हंड्रेड मिलीमीटर वेलोसिटी फाइव नाइन टू जीरो है और मेमोरी नंबर ट्वेल्व है और इसका एंगल भी है ए भी एंगल प्रोब है जिसका फोर्टी फाइव डिग्री जिसका तीन डेटा होता है सर्फेस डिस्टेंस बेस डिस्टेंस और डेप्थ ये तीनों का डेटा कैसे होता है ये एक्चुअल कंपनी का रिपोर्ट बनाया जाता है इस रिपोर्ट कई मेन है इसमें सिग्नेचर सील लग जाता है तो आपका रिपोर्ट फाइनल हो जाता है ये कैसे होता है वो मैं वन बाई वन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें कमेंट करें लाइक करें तो इसका आगे का स्टेप और डिटेल्स मैं आगे बात करूँ दोस्तों सबसे पहले जब कंपनी से आपका ये इंस्ट्रूमेंट आता है ये इंस्ट्रूमेंट के साथ एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है ए जिसका अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है टू टी एफ टी सॉफ्टवेयर है सबसे पहले जो भी पी है लैपटॉप हो पी हो जो भी आपके पास है उस पर सबसे पहले इंस्टॉल करना है इसके अंदर होता है ये सी डी ए सी से आपको इंस्टॉल करना होगा ठीक है सिंपल इंस्ट्रूमेंट है इंस्टॉल है जैसा नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसी टाइप से इसको सी को लगाना है सी पी के अंदर लगाते बराबर आपको ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा जैसा इंस्टॉल हो जाएगा ये इंस्टॉल होने के बाद आपको इसका इंस्टॉल का प्रोसेस जो है कैसे इंस्टॉल करना है सी डी से आपका कॉपी ले लिया उसको वन टू थ्री फोर स्टेप बाई स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है उसके बाद ये प्रोसीड्यर होता है इस प्रोसीड्योर आपको फॉलो करना होता है ये मैं प्रोसीड्योर बता रहा हूँ ये कनेक्ट कैसे करना है कैसे होना है क्या प्रिंट है वो पूरा डिटेल्स ये हमारा कंपनी का मैनुअल है इस कंपनी का मैनुअल का पूरा स्टेप दे दिया है इस स्टेप को फॉलो करते बराबर आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा प्रिंट के लिए ओनली फॉर पीसी प्रिंट कैसे लिया जाता है उसका रिपोर्ट है ठीक है ये कंपनी वाला मुझे दिया था इस कंपनी वाला मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूं मैंने रिपोर्ट देखा इसके बाद करना क्या है जैसा मान लीजिए ये है आपको मे मे मेन्यू नंबर फोर पे जाना होता है और बोलो जो मुझे मेन्यू नंबर फोर पे जाके ये नंबर वन है मेमोरी नंबर वन है जो मेमोरी नंबर वन मेरे पास ए है इह, इह जो रिपोर्ट दिख रहा है आपके सामने ए रिपोर्ट ए है आपके सामने दिख रहा है ठीक है ये रिपोर्ट आपके सामने है ये मैंने प्रिंट लेके दिखा रहा हूँ ये रिपोर्ट इसका डिटेल्स डेटा आपका इसमें सिंपल है इसके बाद ये जो आपको भिजी केबल लग रहा है इस भेजी केबल को आपको सीधा पीसी के साथ कनेक्ट करना है भिजीए केबल दिख रहा है आपको व मेल फीमेल की मेल है जो नॉर्मल जो बाजार में मिलता है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जो केबल कैसे कनेक्ट होता है वो लगाऊँगा जैसे आपको इसका मेमोरी चेंज करना मुझे इससे नहीं करना है आपको दूसरा प्रिंट लेना है जैसा मैंने ये पिन नंबर सिक्स में किया सिक्स में जाने के मेमोरी नंबर सिक्स हो गया मेन्यू नंबर फोर हो गया और एक स्कैन रहेगा रिकॉल करना है के बाद एंटर करना है जैसा एंटर करना ये आपका डेटा आ गया ये क्या है जीरो सेवन का डेटा है जिसमें आपको गेट सिक्सटी सिक्स है सिंगल मोड है और उसका पूरा डेटा इस डेटा को आपको प्रिंट लेना है किस टाइप से प्रिंट किस टाइप से प्रिंट तो सिंपल क्या करना है ये रिकॉल के जगह आपको ये रिकॉल लिखा है एक्शन रिकॉल लिखा है एक्शन रिकॉल को प्रिंट करना है देखिए डिलीट प्रिंट ये प्रिंट ऑप्शन आ गया ये प्रिंट और उसका एंटर मारना है ये हमने एंटर जैसा ही मारा ये सीधा हमारा ये जो केबल लाइन दिख रहा है इस केबल के थ्रू हमारा सामने जो पीसी दिख रहा है इस पीसी के अंदर चले जाता है ये आपके सामने दिख रहा है पीसी इस इंस्टॉल करा हुआ है लेकिन दोस्तों एक चीज आप बता दो हमारा अभी जो केबल में थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से हमने डायरेक्ट प्रिंट ले नहीं सकते कारण हमारा प्रिंटर खराब है इसलिए मैं डायरेक्ट पॉस ऐसा ही प्रोसेस करूंगा जैसा ही यहां से आपने इंटर मारा ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है देखिए ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है ठीक है दोस्तों ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इसके नीचे लिख रहा है एंटर जैसे ही एंटर मारा ये जो आपका डिस्प्ले में दिखा रहा है डिटेल्स जो एक्चुअल सब कुछ यहां नहीं दिख रहा है एक्चुअल होता इतना है ये डेटा है इस डेटा कॉपी करके ये चला जाएगा आपका पीसी के अंदर ये आईबीएम का पीसी है इस पीसी में चला जाएगा इस पीसी में जाते बराबर आपको यहां जाके आपको उसको ओपन करना है जहां भी फोल्डर पे आप लेना चाहते हो उसमें ओपन करने के बाद आपको जैसा नॉर्मल कागज प्रिंट होता है उस टाइप से आपको प्रिंट का ऑप्शन देना है जैसा ही प्रिंट का ऑप्शन देते बराबर वो आपको पूरा डेटा को जैसा मैंने ये प्रिंट दिखाया इस हिसाब से वो प्रिंट करके आपके सामने दिखा देगा जैसा मैंने ये प्रिंट करके दिखाया ये प्रिंट आपके सामने दिख रहा है ये प्रिंट आपके सामने दिख रहा है बहुत ही सिंपल है सिर्फ इप्स को आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है ये वाला स्टेप मेनू नंबर फोर स्कैन स्कैन तो कौन सा में आपने डेटा को सेव करके कर रखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन जहां आपका डेटा है उस डेटा को रिकॉल करना है ये है. ये रिकॉल रिकॉल है का ऑप्शन दिखा रहा है इसको रिकॉल सबसे पहले रिकॉल करना रिकॉल कैसे होगा ये एंटर मार के ये रिकॉल कर दिया ये हमारा डेटा आ गया इसके बाद फिर रिकॉल वाला ऑप्शन पे जाके आपको रिकॉल के जगह आपको प्रिंट देना है तो ये प्रिंट पे जाना है प्रिंट करते बराबर हमारा जो कनेक्शन है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कनेक्शन धीरे से आपको चला जा जाएगा कहा सिस्टम के अंदर ये जो सिस्टम आपके सामने दिख रहा है इस सिस्टम के अंदर जाएगा जा मैं और पीछे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए बीजे कनेक्शन है जहां उसका पॉइंट देकर रखा इस पॉइंट को लेके जाना है सीपीओ के अंदर ये आपका सीपीओ का पॉइंट दिख रहा है ये सीपीओ में कनेक्ट हो जाता है जैसे कनेक्ट हो जाता है आपका पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाता है जो आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जो भी डेटा वहाँ सेव करके रखा था उस डेटा ये सीपीयू में आ जाता है सीपीयू से मॉनिटर हो जाता है मॉनिटर के बाद आपको पूरा डेटा सामने आ जाता है आप चाहते क्या हो क्या जरूरत है हर चीज आपके सामने आ जाता है दोस्तों मेन है उसका रिपोर्ट इस रिपोर्ट में गलत हैगा तो आपका परफॉर्मेंस खराब होगा जो भी आपने एनालिसिस किए हो कंसल्टेंसी रिलेटेड हो पर्सनल रिलेटेड हो जो भी है तो वो पूरा के पूरा गड़बड़ हो जाता है तो रिपोर्ट में जो क्या क्या डेटा होना चाहिए ये जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है तो ये जानकारी के लिए मैंने ये प्रिंट लिया दोस्तों कुछ जानकारी था मैंने जरूर आपको बताने की कोशिश किया लेकिन दोस्तों आज हमारा प्रिंटर का मिस्टेक होने वजह से आपको डायरेक्ट मैंने प्रिंट ले नहीं पाया लेकिन प्रोसीड्योर जो एक्चुअल कंपनी वालों ने दिया गया मुझे ये हमारा सॉफ्टवेयर बताया गया है इसके बाद इसका जो मैनुअल है मैनुअल में जो डिटेल्स डेटा है मशीन का वो डेटा के बारे में आपको मैंने बताया हूँ जी प्रोसेस कैसे किया जाता है ये है इसका प्रोसेस चार्ट है प्रिंटर इंटरफेस प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करना है ये पूरा डिटेल्स है जैसा ही होते बराबर आपका ये डेटा जो है प्रिंट होके आपके सामने आ जाता है ये कुछ जानकारी था दोस्तों अच्छा लगे जरूर कमेंट करके बताइए कमेंट आने के बाद इसका पूरा प्रिंट लेके ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले में फ्लो डिटेक्टर में इसका प्रिंट लेके आपको मैं पूरा प्रोसेस करके बताऊँगा सिर्फ आपका कमेंट का इंतजार है अच्छा लगे जरूर कमेंट करके बताइए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद धन्यवाद